यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की तरह मोदी सरकार के कई मंत्री नंबो हुड्डी पहने नजर आने लगे हैं। 50 की उम्र में शाहरुख खान भी इस तरह की हुड्डी पहनते हैं ताकि युवा और ऊर्जावान दिखे। इस हुड्डी आगमन के पहले भी मीडिया ने कुछ मंत्रियों की छवि ऊर्जावान और कामकाजी के रूप में गढ़ने का काम किया है। उनमें से एक हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मंत्री जी हर सुबह किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि पर कोई एक ट्वीट जरूर करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, अपनी प्रेरणा का स्रोत्र बताते हैं। मगर इतने महापुरुषों की प्रेरणा पाकर भी वे अपने मंत्रालय की योजनाओं में ठेके पर काम कर रहे मजदूरों को शोषण से नहीं बचा पाते हैं। मीडिया में गढ़ी गई छवि के बरक्स अगर आप ठेके पर काम करने वाले मजदूरों पर आई CAG की रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि रेलवे बगैर किसी मंत्री के चल रहा है। राम भरोसे कहना ठीक होगा क्योंकि राम भरोसे तो सारा देश चल रहा है। मंत्री जी को अगर CAG की रिपोर्ट से ऐतराज हो तो वे इस रिपोर्ट को लेकर जाएं और 10-20 हज़ार ठेके के मजदूरों के बीच पड़े दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CAG ने 2014-15 से लेकर 2016-17 के बीच दिए गए 463 कॉन्ट्रैक्ट के काम करने वाले ठेके के मजदूरों के हालात की समीक्षा की है। इस ऑडिट को पढ़कर लगता है कि रेलवे में 2014 के बाद कुछ भी नहीं बदला है, ठेकेदारों को मौज अब भी जारी है। रेलवे ने 2016-17 में ठेके पर काम करने वालों के लिए 35,098 करोड़ का भुगतान किया था। CAG का कहना है कि ठेकेदारों ने इसका 4% हिस्सा यानी 1400 करोड़ से अधिक की राशि मजदूरों के हिस्से से मार लिया है। यही नहीं, रेल मंत्रालय कई हजार करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देती है। उन कामों में ठेके पर रखे गए मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए संसद ने जितने भी कानून बनाए हैं उनमें से किसी का भी 50% भी पालन नहीं होता है। न तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है, न ओवर टाइम मिलता है, न छुट्टी मिलती है, न छुट्टी का पैसा मिलता है, न उनका प्रोविडेंट फंड कटता है और न ही उनका भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकरण है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि नियम के मुताबिक रेलवे की तरफ से कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि इन ठेकों की जाँच करने के लिए नहीं जाता है। रेलवे ही नहीं, श्रम मंत्रालय, भविष्य निधि संगठन की तरफ से भी कोई जाँच करने नहीं जाता है। ठेकेदारों को लूटने की खुली छूट मिली हुई है, बिना लाइसेंस के ठेके दिए जाते हैं। CAG ने पाया कि मात्र 140 ठेकेदारों ने अपना पंजीकरण सेंट्रल लेबर कमिश्नर के दफ्तर में कराया है। उनमें से भी सिर्फ 12 ठेकेदारों ने अपना सालाना लेखा जोखा दिया है, जबकि सभी कॉन्ट्रैक्टर के लिए हिसाब देना अनिवार्य होता है। रेलवे के पास अपने सभी ठेकेदारों के रिकॉर्ड होने चाहिए। CAG ने जब मांगा तो मात्र 30 ठेकेदारों के रिकॉर्ड मिले। आप सोचिए, जब भारतीय रेल में 30-40 हज़ार करोड़ की परियोजना में ठेकेदार बिना हिसाब किताब के काम कर रहे हो तो लूट की राशि का पैमाना कितना होगा। सैकड़ों की संख्या में ठेकेदारों ने CAG को रिकॉर्ड ही नहीं दिए। CAG देखना चाहती थी कि कितने मजदूरों को चेक या बैंक से भुगतान हो रहा है। नियम यही है कि भुगतान बैंक या चेक से होगा। 212 कॉन्ट्रैक्ट में तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला कि पैसा कैसे दिया गया। मात्र 18 कॉन्ट्रैक्ट में वेतन की पर्ची कटी मिली। 169 कॉन्ट्रैक्ट में भुगतान नगद किया गया, जबकि यह सरकार नगद भुगतान के खिलाफ बताई जाती है, उसे भ्रष्टाचार का जरिया मानती है। लेकिन रेल मंत्री अपने ही मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट में नगद भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सके। जाहिर है, रेलवे में ठेकेदार जमकर लूट रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी मिलने का कानून है, लेकिन 463 ठेकों में से मात्र 105 में ही न्यूनतम मजदूरी दी गई है। बहुतों ने तो रिकॉर्ड ही नहीं दिए। किसी भी प्रोजेक्ट की लागत तय करते समय न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से लागत तय होती है। अगर वह पैसा ठेकेदार मार ले तो कितने 100 करोड़ का हिसाब उनकी जेब में यूं ही चला जाता होगा। जनता के पैसे से सरकार ने ठेकेदारों को दिया कि आप पूरा पैसा दो, मगर ठेकेदारों ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया। दोनों तरफ से जनता का ही पैसा लूटा गया। मात्र 120 कॉन्ट्रैक्ट में छुट्टी मिली और छुट्टी के पैसे दिए गए, बाकी में नहीं। CAG ने लिखा है कि 2745 मजदूरों के 5.46 करोड़ रुपए ठेकेदारों ने मार लिए। 49 ठेकों में न तो छुट्टी मिली और न ही छुट्टी का पैसा। 9 घंटे से ज़्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम कराने पर ओवर टाइम देना होता है। 30 कॉन्ट्रैक्ट में पाया गया है कि ओवर टाइम नहीं दिया गया और 1.14 करोड़ रुपये मार लिए गए। CAG की रिपोर्ट बताती है कि रेल मंत्रालय के भीतर कुछ भी खास नहीं बदला है, ठेकेदारों की मौज अब भी जारी है। रेल मंत्री अगर अच्छे से काम करते तो इन बातों को ठीक करते तो रेलवे के लाखों मजदूर खुश होते, वाहवाही करते होते। उनका शोषण नहीं होता और रेल मंत्री को ट्विटर पर दिन भर अपना प्रचार नहीं करना पड़ता।